जा रहे हैं किसान महासभा पंचायत में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि गांव को इकट्ठा करेंगे, गांव में जाएंगे और ये पंचायत पूरे देश भर में इस तरह की पंचायतें सब जगह चलेगी। जब तक भारत सरकार किसानों की बातों को नहीं मानेगी ये पंचायतें हमारी जारी रहेगी। ये बताइए, आज अगर जिनकी बात करें महापंचायत में, तो कितने किसान इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या वो रहेगा, रूपरेखा क्या रहेगा आज की महापंचायत? नहीं, पंचायत करेंगे, अब कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो तो नहीं कह सकते। तो ये क्या आज शुरुआत माने आप हर नहीं, नहीं। में जगह जगह जाएंगे? नहीं, हम भी जाएंगे, दूसरे लोग भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। इसके बाद आप और कई जगह और भी जाएंगे अगर सरकार नहीं मानेगी। जो हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का इकट्ठा करने का है वो पूरे देश में जाएंगे, यात्राएं निकलेगी और भारत सरकार का पूर्ण रूप से हम विरोध करेंगे कि जो किसानों के इशू है वो बात नहीं मान रही। आपने कहा था कि जो है अक्टूबर तक हमारा ये आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहेगा, तो अक्टूबर तक क्या वजह है इसकी? अगर बातचीत से समाधान निकल जाता है, अगर बातचीत से समाधान बातचीत से निकल जाएगा तो कोई बात नहीं। तो लेकिन आपने तो ये कहा कि अक्टूबर तक ये चलता नहीं, नहीं, अगर बातचीत से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव आपके पास? हमारे पास तो कुछ आ रही है। आज संसद में एक बार ये कहा जा रहा है कि शायद किसान आंदोलन को लेकर हंगामा हो, क्या कहना चाहिए? हमें नहीं पता, हम तो है नहीं, ना मैं अखबार पढ़ता, ना मैं टीवी देखता, ना मैं ट्विटर चलाता, ना मैं कुछ चलाता, मुझे कुछ नहीं पता। सरकार की तरफ से कल ये कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई किसानों पर वो करना जरूरी था क्योंकि संपत्तियां सरकार की नुकसान हुई है। और कैसे हुआ, मतलब आक्रामक रूप से क्या हुआ है? जो कुछ नहीं, हमला लाल किले में हुआ है, चीजें हुई है, हमला लाल किले पे। हम पिछले 35 साल से ये कह रहे हैं कि जितनी पंचायत करते हैं हम संसद भवन पर जाएंगे। क्या 35 साल से कोई किसान संगठन, कोई विपक्ष के लोग जिसने जंतर मंतर पर धरना दिया, जहां 10-10 धरने रोज चलते हो, कोई पार्लियामेंट पर गया? एक आदमी को बहका के ले जाया गया, उसने पहले दिन उससे घोषणा करवाई और वो 13 घंटे में लाल किले पर झंडा फहरा दिया। वहां पे झंडे जो हमारा झंडा था उसको फहरा दिया वहां। इसकी जांच होगी पूरी, जो इसमें है, जो दिल्ली पुलिस ने जो षड्यंत्र रचा है से वे दोषी हैं इसके। पुलिस ने तो यहाँ पर ये भी कहा, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग वाली है कि आज हम बैरिकेडिंग मजबूत कर रहे हैं, तो सवाल तो जरूरी है बैरिकेडिंग तब क्यों नहीं पूछा गया, क्या कहना? मतलब रास्ता जो दिल्ली पुलिस ने दिया उस रास्ते पर उस दिन भी बैरिकेडिंग थे और दिल्ली जाने वाले रास्ते खोले गए कि किसान दिल्ली में घुसे, ये कौन सा षड्यंत्र था? इनकी जांच होगी, कौन सी एजेंसी से इसकी जांच हो? तथ्य सब हमारे पास में है कि लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता दिया गया और जो रास्ता रूट दिया गया उस पर बैरिकेडिंग करी गई। 6 फरवरी को चक्का जाम करने की आप लोगों ने बात, वो है उसके माध्यम से एक ज्ञापन जाता है सरकारों को, उसके माध्यम से जाता है। तो ये चक्का जाम किस तरीके से होगा, शांतिपूर्वक होगा? नहीं नहीं, हम शांति से ही हम काम करें, वैसे थोड़ा करें भाई। हमने यहाँ बैठ के अधिकारी आ गए, उसको हमने ज्ञापन दे दिया कि ये हमारी जो दिल्ली की डिमांड है ये है, इस पे काम करो। लेकिन अगर बात की जाए, ठीक है जी, 27 तारीख के बाद से आंदोलन जो कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया था वो काफी नहीं, नहीं कोई आंदोलन कभी आंदोलन हल्का नहीं था जी। अगर गांव के लोग अपने खेत में चले गए तो उसको हल्का मानते होंगे, यहाँ क्या करे सब लोग? अपना खेत का काम भी देखना है, अपना रोजी रोटी है वो भी देखने है। लगातार कोई नहीं आता ना, ना, ना वो पहले भी आ रहे थे, वे आज भी आ रहे हैं, ना उनके लिए मंच है ना माइक है। लेकिन मंच पे तो वो आपके साथ नहीं, मंच पे आ रहे हैं, नहीं मंच नहीं, पे बात नहीं कहाँ कर रहे हैं, नहीं मंच पे नहीं आया कोई, मंच से नीचे आते हैं, ना माइक है ना, बात तो करेंगे ना, कोई अगर घर पर आ गया हमारा तो बात तो करेगा। ठीक है, सरकार से बात के लिए क्या कुछ अभी आप लोगों ने कुछ विचार किया? हमारी कमेटी है, हमारा ऑफिस भी सिंगो बॉर्डर है, हमारी कमेटी के लोग भी वही हैं, वो जो करेंगे हम उनके साथ में, वही जो करेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं। आपने शुरुआत में भी यही कहा था कि बात ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि कोई, हम तो कह रहे हैं ना कि बात से ही रास्ता निकलेगा। बात कर लो तो, और हमारी कमेटी है वो उनसे बात कर। आपका कल का बयान क्या माना जाए? आपने जो कहा था कि अक्टूबर तक चलेगा ये आंदोलन, अगर बात से समाधान निकल जाए? मैं तो आंदोलनकारी हूँ, मैं तो अपना प्रोग्राम बनाऊंगा ना अक्टूबर तक का, भाई मुझे तो अपना प्रोग्राम बनाना है। अगर नहीं वो होते हैं तो हमें प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, लोगों को यहाँ कितने लोग रोज आएंगे, कितने लोग योग करेगी, ये आंदोलन कैसे चलेगा? तो अक्टूबर तक का, हम तो आंदोलनकारी आदमी, अक्टूबर तक का प्लान हम बनाएंगे।
कि अक्टूबर तक, और उसके बाद में फिर आगे का फिर बना दे। मतलब फिलहाल आपकी एजेंडा में अक्टूबर है, अक्टूबर तक है, क्योंकि गांव की एक कहावत है, अगर ये जितनी भी महिलाएं हैं, ये हमारी माताएं बहनें, अगर किसी का बच्चा मेले में गुम हो जाएगा तो अगले साल मेले में ही वो जरूर आवेगा वहाँ पे, ये गांव की कहावत है। तो सरकार सर्दी में रड़ेगी तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी वो। है? और क्या भाई, जो बच्चा, जो परिवार होता क्या, जो परिवार, आओ इधर आ जाओ, देखो ये बताएगी, इधर आ जाओ, जो परिवार, जो जो परिवार मेले में रले तो अगले साल वो उसी मेले में जरूर मिलेगा, ये पुरानी कहावत है। मैं तो गांव वालों ने कहा था, इन्होंने कि सरकार गुम होगी एक साल बाद में मिलेगी। कितने बजे से आपकी माँ पंचायत? और जाल लग रहे, क्या बता कितना टाइम लगेगा जाने में। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।